और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर तनाव फैल रहा है। इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर मध्य प्रदेश में तनाव कौन फैला रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, राजगढ़ में तनाव है तो वहीं दमोह के फुटेरा में भी तनाव का माहौल है। राजगढ़ के बयावारा शहर से जहां दो गुटों के बीच मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने शहर में मौजूद मजार की चादर को आग लगा दी और उसके बाद बाहर से आए बाइक सवार कुछ लोगों ने शहर के मेन बाजार की दुकानों में अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी, पत्थरों से हमला कर दिया और उसके बाद पूरे बाजार में भगदड़ मच गई। हालांकि हालात अब काबू में है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर दमोह के फुटेरा की है, यहां पर भी लड़ाई झगड़े के बाद तनाव हो गया और उसके बाद प्रशासनिक अमला हालात पर काबू करने की पूरी कोशिश करता हुआ। और दमोह में तो मामला इतना बढ़ गया कि आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और ये देखिए किस तरह उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई और यहां पर भी दो गुटों के बीच में पहले तनाव हुआ और उसके बाद हिंसा का मंजर। इस बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह का तनाव क्यों फैल रहा है। लेकिन दमोह की घटना के बारे में कहा जा रहा है कि लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो समुदायों में हिंसा हुई और उसके बाद तनाव का माहौल, तोड़फोड़ और आगजनी की ये तस्वीरें। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।